गाइस और सभी बड़ों को मेरी नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं और अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैं सुबह यूजुअली 7:30-8 बजे तक किचन में आ जाती हूँ क्योंकि वंशुल को टिफिन पैक करके देना होता है और साथ ही साथ में वानिया भी उठ चुकी है। वानिया हाय। और मैंने आज एक स्पेशल रेसिपी बनानी है जो कि है अमरूद की चटनी यानी कि ग्वावा। कल मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो वहाँ पर मैंने ये रेसिपी देखी तो सोचा मैं आज ट्राई करूँगी। और अभी सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है अमरूद का तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मिलकर बनाते हैं और देखते हैं कैसी बनी चटनी। तो सबसे पहले मैंने लिया एक अमरूद और उसको स्टार्ट कर दिया गैस पर भूनना। आप अमरूद दो भी ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है, बट मेरे पास जो अमरूद था वो थोड़ा बड़ा था तो मैंने सोचा कि मैं आज पहली बार बना रही हूँ तो एक से ही ट्राई करती हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले अमरूद लिया और उसमें नाइफ़ डाल दिया और ताकि मेरे को भूनने में थोड़ी आसानी हो जाए। अभी ये थोड़ा थोड़ा काला होना स्टार्ट हो गया है तो इसके बाद मैंने इसको पूरा अच्छी तरह से भून लिया था गैस पे और ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा जब स्टार्ट हो जाएगा भूनना। और साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर जीरा भी भून लिया था क्योंकि चटनी के लिए जीरे की भी ज़रूरत पड़ेगी और वो भी भुना हुआ। और उसके बाद जब अमरूद भून गया तो मैंने गैस से उतार दिया और ये जो जला हुआ हिस्सा था इसका बाहर से मतलब छिलका, उसको मैं पील ऑफ करने लग गई। तो आप ये ईजिली कर सकते हो और पील ऑफ करना तो बहुत ईजी है, पर आपको थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान देना होगा कि जो ये काला काला है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर दें आप। अमरूद को एक बार पील ऑफ करने के बाद मैंने नाइफ़ अच्छे से धो लिया ताकि ये जो काला काला है वो अच्छे से मैं निकाल सकूं और साफ़ सुथरा अमरूद मैं चटनी के लिए यूज़ कर सकूं। तो अब ये है यहाँ पर हमारा साफ़ हुआ हुआ भुना हुआ अमरूद जिसको हम चटनी के लिए यूज़ करेंगे। अब इसके बाद अमरूद को हम काफ़ी हिस्सों में काट लेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिमेट्रिकली होने चाहिए इसके जो टुकड़े हैं, आप कैसे भी काट सकते हो वो आप पर डिपेंड है क्योंकि एट द एंड ये सारे मिक्सी में ही जाने हैं। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको बिल्कुल एक बराबर काटने हैं जैसे मर्जी, या आप डायरेक्ट भी काट के मिक्सी में डाल सकते हो इसको। तो यहाँ पर मैंने अमरूद को अच्छे से काट लिया और यहाँ पर जो इसके हिस्से थे वो मैंने चॉपिंग बोर्ड पर रख दिए। और साथ ही साथ में मैं आपको इसके बाद बताऊंगी कि इस चटनी के लिए और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अमरूद को हिस्सों में काटने के बाद मैंने सबसे पहले लिया मिक्सी का एक जार, आप छोटा भी ले सकते हो या बड़ा भी। तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया यहाँ पे धनिया जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था और उसके बाद मैंने ली यहाँ पे दो हरी मिर्च और उसके बाद एक छोटा अदरक का टुकड़ा, ये आप पर डिपेंड है, आप अदरक नहीं यूज़ करते तो रहने देना। और उसके बाद ये है यहाँ पर पुदीना और इसके बाद मैं ऐड कर लेती हूँ जो चॉप किए हुए मैंने अमरूद के पीसीज हैं उनको। तो ये सब जाएंगे डायरेक्ट अब मिक्सी में और उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भुना था जीरा, क्योंकि इसमें भुने हुए जीरे का बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो ये ऐड कर दिया हमने और इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे अपने स्वाद के अनुसार नमक यानी कि सॉल्ट, ये आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। यहाँ पर मैंने अभी थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और उसके बाद बारी है लेमन जूस की, आप लेमन जूस डायरेक्ट भी डाल सकते हो या कई बार आपको मार्केट में पैक भी मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद बारी थी कि थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया जाए क्योंकि जो कंसिस्टेंसी होती है ग्वावा की वो थोड़ी थिक होती है, तो अभी चटनी हमको थोड़ी पतली पतली चाहिए इसके लिए हमने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया। और अब बारी थी कि हम अपनी मिक्सी ऑन कर दें। तो ये थी मेरी चटनी जो कि मैंने आज पहली बार बनाई थी। देखिए देखने में लग रही है ना बहुत ज़्यादा स्वाद और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा स्वाद थी। तो इसके बाद हम इस चटनी को निकाल लेंगे एक बाउल में और इसके बाद हम लोग इस चटनी को सर्व कर सकते हैं। आज मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में एक अमरूद की बनाई थी, आप लोग अपने हिसाब से अमरूद ले सकते हैं और इस चटनी को बना सकते हैं।
इस चटनी की कंसिस्टेंसी मैंने थोड़ी हल्की सी गाढ़ी रखी थी। ये सब आप पर डिपेंड है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं, तो प्लीज ट्राई कीजिए। तो अभी मैं हो चुकी हूँ फ्री सारा खाना बना के, और फिलहाल मैंने वंशुल का टिफिन भी पैक कर दिया है। तो अब बारी थी कि मैं थोड़ा रिफ्रेश हो जाऊँ, और बारी थी एक गर्मा गर्म कॉफ़ी की। तो मैंने आज ट्राई किया सबसे पहले फ्रेंच वनीला फ्लेवर, ये है बेवजिला ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो कॉफ़ी पाउडर है आप डायरेक्ट इनकी साइट से भी परचेज कर सकते हैं। तो ये नाम है बेवजिला। तो ये सबसे पहला फ्लेवर है फ्रेंच वनीला, और दूसरा फ्लेवर है इनका कोलंबियन गोल्ड, और थर्ड फ्लेवर है इनका इंग्लिश बटरस्कॉच, एंड फाइनल वन इज टर्किश हेजलनट। ये सब कॉफी पाउडर्स वंशुल ने ऑनलाइन परचेज किए थे, और ये कल ही घर पर आए हैं। तो हमने आज ट्राई किया, और ये कॉफ़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप लोग भी कॉफ़ी लवर हैं तो प्लीज़ एक बार इन सब चीज़ों को ट्राई ज़रूर करिए, और आप ये वन बाय वन भी ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, तो वो आप लोगों पर डिपेंड है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज मैंने बनाई थी कड़ी, देखने में बहुत यमी लग रही है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा यमी थी। तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि आप लोग कैसे बनाते हैं कड़ी, और अगर मेरी रेसिपी जाननी है तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी, पर उसके लिए सबसे पहले कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर रखी हुई थी ब्रोकली बॉयल करने के लिए, क्योंकि वंशुल को बॉयल्ड ब्रोकली ज़्यादा पसंद है, कई लोग अनबॉयल्ड भी खाते हैं। तो इसी के साथ मैंने बनाया था यहाँ पर पेस्ट, क्योंकि वंशुल को डिप की हुई ब्रोकली ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसमें यहाँ पर बॉयल्ड ब्रोकली डाल दूँगी अभी बॉयल होने के बाद। तो जैसे ही ब्रोकली बॉयल होती है मैं इस बॉयल्ड ब्रोकली को डाल दूँगी इस बाउल के अंदर, और इसको मिक्स कर दूँगी बनाए हुए पेस्ट के साथ। ब्रोकली के लिए जो मैंने पेस्ट बनाया था उसमें मैंने ऐड किया मेयोनीज, हनी, रेड चिली सॉस, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स। आप लोग अपने हिसाब से भी और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब मैंने ब्रोकली को पेस्ट में डाला तो ये कुछ ऐसे दिखाई देने लगी, और अभी तैयार था वंशुल के लिए ब्रेकफास्ट। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, पर ये सब चीज़ें मैं यूट्यूब से देख लेती हूँ, तो आप लोग भी बताइए आपको अगर कोई ऐसी रेसिपी पसंद आई हो तो। तो अभी फ़िलहाल मैं हो चुकी हूँ सारे काम से फ्री, अभी वंशुल भी ऑफिस से वापस आ चुके हैं, और आज मुझे बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि आप सबको पता है हम काफ़ी लंबे ट्रिप से वापस आए थे 5 दिन के, तो कपड़े भी धोने को थे और कुछ कपड़े अरेंज भी करके रखने थे अलमीरा में। तो अभी उन सब काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ, और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं मंडी, क्योंकि घर में कोई भी सब्जी और फ्रूट अवेलेबल नहीं है, और कल के लिए मुझे ज़रूरत भी पड़ेगी। तो अभी हम चलते हैं मंडी, उसके बाद मैं वापस आके आपसे दोबारा मिलूँगी। अभी हम पहुंच चुके थे मंडी, और हमें यहाँ से लेने थे घर के लिए थोड़े फ्रूट्स और थोड़ी सी सब्जियाँ। हम लोग 2-3 दिन के ही फ्रूट्स और सब्जियाँ लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फ्रेश नहीं रहती, तो हम ट्राई करते हैं कि 2-3 दिन में हम मंडी आ जाएं और दोबारा से सब चीज़ें परचेज़ कर लें। तो अभी यहाँ पर वानिया अपने पापा के साथ आगे आगे चली है, और यहाँ पर मैं सब्जियाँ उठा के मोल भाव कर रही हूँ भैया से, और कह रही हूँ कि भैया एक ही लिफाफे में डाल दो, इतने सारे लिफाफे में कैसे उठाऊँगी। और इसके बाद हम चलेंगे घर की तरफ। वानिया ने सोचा कि जब तक खाना बनता है तब तक आज मैं अपने टेडी बियर को साइकिल पे घुमाती हूँ। मैं तो रोज ही घूमती हूँ, आज टेडी बियर को भी सवारी करा दी जाए। क्या कर रहे हो? टेडी को झुल्लू झुल्लू करा रहे हो? हाँ? ओके। डिनर करने के बाद वानिया में आ चुकी थी फुल ऑन एनर्जी, और अभी बारी थी कि वानिया मम्मा के साथ खेली खेली करे। तो वानिया ने मुझे कहा कि एक टैडी को मम्मा आप सुलाओ और दूसरे टैडी को मैं सुलाऊंगी। तो जैसे जैसे मैं सुला रही थी वानिया भी कोशिश कर रही थी कि अपने वाले टॉय को वैसे ही सुलाए, और मैंने वानिया को कहा कि वानिया अपने टैडी को किस कर दो, तो बेचारी वो भी लग पड़ी अपने टैडी को किस करने। और इसके बाद मैंने कहा कि वानिया इसको अपने शोल्डर पर सुला दो, बेचारी बच्ची इसको शोल्डर का पता तो नहीं लगा तो अपनी बाजू में रख के सुलाने लग गई। बच्चे इतने मासूम होते हैं कि क्या बताऊं, इनकी इसी मासूमियत की वजह से इन पर हमारा दिल फिदा हो जाता है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल एक्सपीरियंस की इस ट्रिप की, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। सिर्फ ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया,
बाकी अगर हम देखें तो हमारा ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छा गया और सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया और बच्चों ने भी ज़्यादा परेशान नहीं किया। मेमोरेबल ट्रिप तो था ही ये, क्योंकि हम सब लोग बहुत टाइम बाद आपस में ऐसे मिले थे और काफ़ी डेज हमने आपस में स्पेंड किए। कहने को तो विनय राणा और हितेश वंशल के दोस्त हैं, पर इन लोगों को मैं शादी से भी पहले से जानती हूँ और मेरे लिए ये मेरे दोस्तों जैसे ही हैं। प्लस कृति और मुकनेश भी मेरे लिए बहुत अच्छे दोस्तों की तरह है। तो जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया था लास्ट व्लॉग में कि मुझे और वंशुल को जाना पड़ा मनाली और हम बाकी दोस्तों के साथ नहीं जा सके वापस, तो वो क्या काम था मैं आपको बताती हूँ अभी। तो हम लोग गए थे मनाली और हमें लेना था ये। अब ये क्या है ये दिखाती हूँ मैं आपको अभी, रुकिए। तो ये थी बानिया की पेंटिंग जिसके लिए हमें जाना पड़ा था मनाली। हमने लास्ट डे ही ऑर्डर दी थी तो उन्होंने कहा था ये आपको अर्ली मॉर्निंग कल मिल जाएगी, तो हम लोगों को ये पेंटिंग कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ा वहाँ पर। तो इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग समाप्त। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।